हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वेब सिक्योरिटी मॉडल, जो कि वेब इंजीनियरिंग के सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स का टॉपिक है। तो वेब सिक्योरिटी मॉडल एक्चुअली है क्या? वेब सिक्योरिटी मॉडल में हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे सिक्योरिटी के, कि क्या सिक्योरिटी के फीचर होने चाहिए, कैसे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, और एक केस स्टडी लेंगे ई कॉमर्स की, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट प्लेयर्स कौन होते हैं आपके वेब सिक्योरिटी मॉडल में, क्रिमिनल है उसको क्या फ़ायदा होता है, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिस पे अटैकर आपका अटैक कर सकता है, टारगेट कर सकता है, और डिफरेंट टाइप के अटैक्स जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर बेसिकली लॉन्च किए जाते हैं। अब ई कॉमर्स का हम केस स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी वेबसाइट के ऊपर आप बिज़नेस देखते हो आज के टाइम में, वो बेसिकली ई कॉमर्स हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो ई कॉमर्स के बिज़नेस में आ रही हैं, और जैसे जैसे आप इंक्रीज़ हो रहा है ई कॉमर्स का बिज़नेस, यूज़र्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऐसे ही उनका जो सिक्योरिटी है उसको भी ब्रीच करने के लिए जो अटैकर्स हैं, हैकर्स हैं, वो ज़्यादा कोशिश करते हैं, ज़्यादा ट्राई करने की ट्राई करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम वेब सिक्योरिटी मॉडल के बारे में देखेंगे। तो वेब सिक्योरिटी मॉडल में सबसे पहले डिफरेंट लेवल्स होते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स के एक बिज़नेस के ऊपर, और वो लेवल्स क्या क्या हैं देखो। सबसे पहला, एक अनऑथराइज्ड इंटरनल यूज़र। अनऑथराइज्ड इंटरनल यूज़र का क्या मतलब है कि सपोज़ मेरे पास दो यूज़र हैं, यूज़र U1 और U2, और जो पेमेंट का मॉड्यूल है मेरे ई कॉमर्स के बिज़नेस में, वो पेमेंट मॉड्यूल सिर्फ यूज़र U1 एक्सेस कर सकता है। बट अगर U2, जो कि अनऑथराइज्ड है टू एक्सेस पेमेंट मॉड्यूल, और वो उसको एक्सेस कर रहा है, तो वो मेरे बिज़नेस के लिए एक थ्रेट है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अनऑथराइज्ड यूज़र आपकी किसी एक ऐसी मॉड्यूल को एक्सेस करे जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है हमारी बिज़नेस के लिए, एक वेबसाइट के लिए। दूसरा जो सिक्योरिटी का थ्रेट है, लेवल है, वो है फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देखो होता क्या है कि बहुत ये कॉमन सा एरर है जो हो जाता है। इसी एग्जांपल को लेते हैं, यूज़र U1 के पास पेमेंट मॉड्यूल को एक्सेस करने की परमिशन थी। कुछ टाइम के बाद यूज़र U1 कंपनी से रिज़ाइन करके चला गया। अब अगर उसके जाने के बाद भी जो कंपनी है वो उसकी ऑथेंटिकेशन को या उसके क्रेडेंशियल्स को रिवोक नहीं करती है, नहीं हटाती, तो ये आउटसाइड से भी, कंपनी के बाहर से भी इस मॉड्यूल को एक्सेस कर पा रहा है, जो कि गलत है और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का ब्रीच है आपके बिज़नेस या फिर वेबसाइट के लिए। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड है इसमें हमारे पास वीक एक्सेस पॉइंट। अब वीक एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं? ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जिस पे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो डिज़ाइनर है आपकी वेबसाइट का, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ऐसे ही वीक एक्सेस पॉइंट्स को अटैकर्स या फिर हैकर्स वॉयलेट करते हैं, उनको ढूंढते हैं और उनके थ्रू आपके सिस्टम में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो सबसे मेन पॉइंट वो ये है कि जब भी आप कोई वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हो या किसी बिज़नेस के नेटवर्क को आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी वीक एक्सेस पॉइंट ना हो, जिससे हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन या फिर ट्रेड सीक्रेट्स लीक नहीं होने चाहिए। देन रॉन्ग मैनेजमेंट। अब होता क्या है कि बिज़नेस है, वेबसाइट है, ई कॉमर्स है, सब में क्या है, सब में पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, सब में मनी इन्वॉल्व है। तो जो ओनर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो कई बार क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करेंगे। अब सपोज़ एक कंपनी थी, एक कंपनी है कोई भी, सपोज़ एक एक्स कंपनी है, और इसकी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमें फायरवॉल की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, नॉर्मल यूज़र्स के साथ साथ एक मलिशियस यूज़र भी इस वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि कोई फायरवॉल नहीं है। उन्होंने पैसा बचाने के लिए फायरवॉल जैसी एक बहुत ही बेसिक सिक्योरिटी फीचर को भी ओवरलुक कर दिया। तो ऐसे जो रॉन्ग मैनेजमेंट होती है, जो रॉन्ग मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, उससे आपके बिज़नेस को बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ लेवल्स थे जिसके ऊपर आपके बिज़नेस का सिक्योरिटी या सिक्योरिटी जो बिज़नेस को हैम्पर कर सकता है वो बिल्ड होता है। अब जो मेन कंसेप्ट्स हैं सिक्योरिटी के, तीन मेन कंसेप्ट्स होते हैं, इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा। सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी एजेंसी कहलाती है वो क्या है,
CIA, तो वो भी यही है, C से कॉन्फिडेंशियलिटी, I से इंटीग्रिटी और A से अवेलेबिलिटी। तो देखो CIA क्या कहता है, सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन मैं पास कर रहा हूँ किसी दूसरी पार्टी को, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी पार्टी को रीडेबल होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने एक मैसेज M दिया, M1 मैसेज मैंने दिया X से Y को, तो ये मैसेज कुछ इस फॉर्मेट में जाना चाहिए कि कोई भी अटैकर, अगर यहाँ पे कोई अटैकर है और वो इस मैसेज को पढ़ भी रहा है, तब भी वो उसके ओरिजिनल मैसेज तक ना पहुँच पाए। तो बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, आप डाटा को किसी तरह से इंक्रिप्ट कर रहे हो, आप इंक्रिप्शन का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो ताकि जो मैसेज है वो सिर्फ एक इंटेंटेड रिसीवर जो है, या फिर जो लेजिटिमेट रिसीवर है, सिर्फ उसको ही पता लगे कि वो मैसेज क्या है। सेकंड, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है करेक्ट मैसेज। अब करेक्ट मैसेज का क्या मतलब है इसमें, जैसे हम यहीं पे लेते हैं, एक्स से वाई को हमने एक मैसेज भेजा M1। अब हो सकता है कि अटैकर बीच में इस मैसेज को रिसीव कर ले और इसने अपना दूसरा मैसेज M2 इसको भेज दिया वाई को, तो वाई को तो नहीं पता लगेगा कि एक्स से क्या मैसेज आया था, क्योंकि जो इसको रिसीव हुआ वो अटैकर की तरफ से बीच में ऐड कर दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मैसेज हम भेज रहे हैं वही मैसेज रिसीव होना चाहिए। और ये कैसे इंश्योर करते हैं, ये हम इंश्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश। हैश क्या कहता है कि आप मैसेज का हैश निकालो। सपोज इसका हैश आया था H1, तो आप दोनों को साथ में भेजोगे। अब इसको यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे मिलेगा M1। M1 को तो इसने M2 से चेंज कर दिया, बट जो इसका हैश है H1 वो इसको नहीं पता होगा। तो ये जब यहाँ पे इसका हैश कैलकुलेट करेगा M2 का, तो वो कुछ डिफरेंट हैश आएगा H2, तो इसको पता लग जाएगा कि जो मैसेज मेरे को मिलना था वो नहीं मिला है, कि इनकरेक्ट मैसेज मुझे रिसीव हुआ है। तो इंटीग्रिटी आपका ये कहता है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी बेसिकली डील करता है सर्वर या फिर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पे। मतलब कि आपके अगर सिस्टम पे कोई डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर रहा है, डॉस अटैक कर रहा है टू हैम्पर योर अवेलेबिलिटी, तो आपके पास कुछ ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए ताकि आपका सर्वर जो है वो डाउन ना हो। सो दिस इज़ योर मेन कंसेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें है कॉन्फिडेंशियलिटी, देन इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। याद करने के लिए आपको CIA से याद हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास सिक्योरिटी फीचर्स। 4 डिफरेंट सिक्योरिटी फीचर्स हैं। सबसे पहला है ऑथेंटिकेशन, उसके बाद है ऑथराइजेशन, देन इंक्रिप्शन एंड ऑडिटिंग। सो फर्स्ट वन इज़ द ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है किसी यूज़र को ऑथेंटिकेट करना। अगर यूज़र कह रहा है कि मैं एक एक्स यूज़र हूँ, तो आप उसको ऑथेंटिकेट कर पाओ कि हाँ ये एक्स यूज़र है। तो इसका मतलब क्या होता है, इट एक्चुअली वेरीफाइज हु यू से यू आर, कि आप जो हो आप उसको ऑथेंटिकेट कर सको कि हाँ मैं वही हूँ जो मैं कह रहा हूँ। दूसरा क्या है कि ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब होता है एक यूज़र उस चीज़ को करने के लिए ऑथराइज है या नहीं है। सो इट अलाउज ओनली यू टू मैनिपुलेट योर रिसोर्सेस। सो इट अलाउज ओनली यू टू मैनिपुलेट योर रिसोर्सेस और चेंज योर रिसोर्सेस। जैसे इस केस में था, U1 ऑथराइज था पेमेंट मॉड्यूल को चेंज करने के लिए, जबकि U2 ऑथराइज नहीं था, बट दोनों यूजर्स U1 और U2 ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस काफ़ी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑथेंटिकेशन का मतलब है किसी यूज़र को ऑथेंटिकेट करना कि हाँ ये वही है। तो ये बेसिकली किया जाता है, ऑथेंटिकेशन किया जाता है बेसिकली पासवर्ड से, बायोमेट्रिक से, जिससे आप उस यूज़र को ऑथेंटिकेट कर पाते हो।
जबकि ऑथराइजेशन बेसिकली होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या फिर ACL से। उसके बाद है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को हाइड करना। जैसे हमने यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी में देखा था कि जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं अटैकर या हैकर उसको रीड ना कर पाए, ये किसी तरह से ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं बेसिकली साइफर टेक्स्ट के फॉर्म में हम मैसेज को भेजते हैं, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं भेजते। उसको किसी एल्गोरिदम से उसका साइफर बना के, उसका एक सीक्रेट कोडवर्ड बना के हम उसे ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज बेसिकली कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑपरेशन, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑपरेशन। तो ऑडिटिंग का अगर एग्जांपल आप कहते हो तो ये है मेंटेनिंग द लॉग फाइल्स। तो ये कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इंक्रिप्शन एंड ऑडिटिंग। अब हम देखेंगे केस स्टडी जिसमें हम ई कॉमर्स का एग्जांपल लेके चलेंगे पूरा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है द प्लेयर्स। तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से ही देखेंगे। देखिए सबसे पहला आपका एक ई कॉमर्स का वेबसाइट होगा। तो एक प्लेयर तो क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर वेबसाइट। पहला प्लेयर तो कौन हो गया, जिसकी जो वेबसाइट है। अब उसके बाद इस वेबसाइट के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड हैं, जैसे कि पेमेंट मॉड्यूल है या फिर एक शॉपिंग कार्ट है, उसकी सर्विसेज हम किसी एक सॉफ्टवेयर वेंडर के से ले सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर वेंडर भी एक प्लेयर है इसमें। सो सॉफ्टवेयर वेंडर भी एक प्लेयर होता है जो सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है B2C वेबसाइट पे। सो इट प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर टू सेलर, और सेलर इस केस में बायर। बायर इस केस में कौन है, B2C वेबसाइट। तो एक प्लेयर हो गया B2C वेबसाइट और एक प्लेयर हो गया हमारे पास सॉफ्टवेयर वेंडर। उसके बाद एक जो प्लेयर है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, वो है शॉपर या फिर कंज्यूमर। तो यहाँ पे है आपके पास एक प्लेयर शॉपर, इसको हम कंज्यूमर भी कहते हैं, और ये किसी इंटरनेट रिसोर्स के थ्रू, इस प्लेयर को एक्सेस करता है। तो ये हमारे लेजिटिमेट यूजर्स हैं, लेजिटिमेट प्लेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर वेंडर, B2C वेबसाइट एंड शॉपर और कंज्यूमर। अब इन सब के बीच में एक हमारा अटैकर होता है, हैकर होता है। तो उसको हम बेसिकली कहते हैं, अटैकर या हैकर जो होता है हमारा, उसको हम कहते हैं मलिशियस यूज़र। तो यहाँ पे है हमारे पास एक अटैकर और हैकर, और इसको हम जनरली मलिशियस यूज़र कहते हैं। तो ये भी ट्राई करता है इसको एक्सेस करके इसकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करने की, इसमें कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ आपके प्लेयर्स हैं जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इन द सिक्योरिटी मॉडल और द केस स्टडी ऑफ ई कॉमर्स इज क्रिमिनल इंसेंटिव। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्रिमिनल्स को प्रोत्साहित करती हैं, मोटिवेट करती हैं कि वो एक ई अटैक या फिर ऑनलाइन अटैक को लॉन्च करें। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है चीप टूल्स। अगर आप एक नॉर्मल रॉबरी से कंपेयर करोगे एक ऑनलाइन रॉबरी को, तो आप पाओगे कि इसमें बहुत ही सस्ता आपको जो टूल्स हैं, जो सामान है वो मिलता है। क्योंकि देखो क्या होता है, आपको चाहिए क्या, आपको एक सिस्टम चाहिए और एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए बस। अदर देन दैट अगर आप एक नॉर्मल रॉबरी से कंपेयर करोगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स भी कई बार लगती हैं रॉबरी करने के लिए। जो एक क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो उसके लिए चीप टूल्स ही बेटर इंसेंटिव दिखता है। सेकंड जो है कि इसमें जो बेनिफिट है वो एक अनइमेजिनेबल बेनिफिट होता है। कैसे, अनइमेजिनेबल पे ऑफ। एक्चुअली इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, एक बार एक अटैक लॉन्च हुआ था जिसमें एक बैंक के हर अकाउंट से एक एक रुपया चोरी करके अटैकर ने
अपने अकाउंट में डाला था। अब अगर एक बैंक में करोड़्स ऑफ अकाउंट्स हैं, 1 करोड़ अगर अकाउंट है, तो उसने 1-1 रुपया चोरी किया और 1-1 रुपया से करते करते उसके पास कितने हो गया, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है और पकड़े जाने का डर बहुत कम है, क्योंकि किसी भी यूज़र को अगर उसके बैंक अकाउंट से 1 रुपया कटता है तो कोई भी यूज़र उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। तो एक सेकेंड है इंसेंटिव है इसका। देन थर्ड इंसेंटिव इज ईजी टू लोकेट द विक्टिम। इंटरनेट के ऊपर इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि एक जो अटैकर होता है उसको अपने विक्टिम को लोकेट करना बहुत ईजी होता है। वो इंडिया में बैठे बैठे बाहर की किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक लॉन्च कर सकता है, जबकि अगर आप एक नॉर्मल रॉबरी से, एक कन्वेंशनल रॉबरी से अगर कंपेयर करोगे तो उसको उस वक्त उस जगह पे फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। जबकि ई रॉबरी में, ई अटैक्स में क्या होता है कि आप इंडिया में बैठे हो और आप अमेरिका के अंदर, यूएसए में, ब्रिटेन में, कहीं पे भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी आप अटैक को लॉन्च कर सकते हो। देन फोर्थ, और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें यूज़र अपने आप को एनोनिमस रख सकता है। अगर आप जो अटैकर होते हैं, हैकर होते हैं, उनको इंटरनेट की काफ़ी जानकारी होती है, वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं अपने आप को हाइड करने के, अपना आईपी एड्रेस हाइड करने में, जबकि अगर आप एक नॉर्मल रॉबरी से कंपेयर करोगे तो अगर फिजिकल आप प्रेजेंट हो वहाँ पर तो आप अपने आप को छुपा नहीं सकते हो। देन फिफ्थ इज इंफॉर्मेशन जो है आपको किस तरह से आपको अटैक करना है वो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, यानी फ्री एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत ही ईजीली आपको सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के ऊपर मिल जाती है। अब ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसपे अटैकर टारगेट कर सकता है? सो द पॉइंट्स द अटैकर कैन टारगेट, तो मैं एक डायग्राम इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद आके उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक डायग्राम है इसका। अब नॉर्मली देखो करते क्या हैं इसमें हम, यहाँ पे आपका एक सॉफ्टवेयर वेंडर भी था तो हम उसको भी बना लेते हैं, सॉफ्टवेयर वेंडर। सॉफ्टवेयर वेंडर सॉफ्टवेयर को सेल कर रहा है, शॉपर जो है वो इंटरनेट की मदद से एक बिजनेस की वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। तो ये हमने देखा था पहले भी, अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से अटैक्स हैं और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे एक अटैक लॉन्च हो सकता है। तो देखो सबसे पहला जो सबसे कॉमन अटैक है वो क्या है कि जो हैकर है वो बिजनेस टू कंज्यूमर वेबसाइट के ऊपर अटैक लॉन्च करते हैं। सो दिस इज अटैकिंग द सर्वर। सर्वर के ऊपर ही अटैक लॉन्च कर दिया, कोई सा भी अटैक लॉन्च कर सकता है, डॉस अटैक, डीडॉस अटैक, कोई भी अटैक आप, या फिर ये सिंपली लॉन्च कर सकता है। देन सेकंड, अटैकर जो है किसी तरह शॉपर को ट्रिक कर दे, उसको बेवकूफ़ बना दे और उससे कोई अटैक करवा दे। सो इट इज़ ट्रिकिंग द शॉपर, कि शॉपर के ऊपर अटैक कर रहा है, उसको कुछ कह रहा है करने के लिए, वो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस हैकर कर रहा है। उसके बाद जो इसका वर्क स्टेशन है इस शॉपर का, उसको वो स्कैन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को स्टील करने के लिए। सो इट इज़ स्कैनिंग द वर्क स्टेशन, इसका यूज़र आईडी, पासवर्ड, इसके कौन कौन सी वेबसाइट्स को ये एक्सेस करता है, उस सब को स्टील करने के लिए वो इसके नेटवर्क, इसके वर्क स्टेशन को स्कैन कर सकता है। इसी तरह वो जो नेटवर्क है उसको स्नूप कर सकता है, उसको मॉनिटर कर सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस वेबसाइट से खरीदी जा रही हैं और कौन कौन उनको परचेज कर रहा है। तो स्नूपिंग द नेटवर्क। इसी तरह वो क्या कर सकता है कि सॉफ्टवेयर वेंडर के ऊपर अटैक करे और उसके जो प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ वायरस इंसर्ट कर दे। सो दिस इज़ वायरस और एनी मेलिशियस कोड, ताकि जब वो सॉफ्टवेयर वेंडर अपना सॉफ्टवेयर इसको सेल करे तो जो सॉफ्टवेयर आएगा उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपका अटैकर टारगेट कर सकता है। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स। सबसे पहला जो है वो ट्रिकिंग शॉपर, और इसको हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स।
इसमें होता क्या है कि इसमें हम जो शॉपर है उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे इसने शॉपर की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया, तो वो क्या कर सकता है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को यूज़ करके अपना कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है। तो होगा क्या, प्रोडक्ट जो है वो जाएगा किसके पास, वो जाएगा अटैकर के पास, बट जो पैसे कटेंगे वो किसके कटेंगे, वो एक लीगल शॉपर के पैसे कटेंगे। इसी तरह से ट्रिकिंग ट्रिकिंग शॉपर में क्या है, फिशिंग। फिशिंग क्या होता है कि जैसे अटैकर ने पता कर लिया कि ये एक वेबसाइट x.com को यूज़ करके ऑनलाइन परचेज करता है, तो हैकर क्या करेगा, हैकर एक ईमेल भेजेगा इस शॉपर के पास और कहेगा बाय दिस प्रोडक्ट P1 फ्रॉम x.com एट 50% डिस्काउंट, फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कोई उसने मेल भेजी। और जब वो यूज़र, एक शॉपर, इस पर क्लिक करेगा तो उसको ये वाली वेबसाइट नहीं दिखेगी, उसको कुछ ऐसी वेबसाइट दिख सकती है, सपोज x1.com या फिर x.net। अब जनरली होता क्या है कि जब हम ईमेल पे क्लिक करते हैं तो हम ऊपर का यूआरएल नहीं देखते कि कौन सा यूआरएल आपको दिख रहा है, उसको दिखेगा अच्छा ये प्रोडक्ट है 50% डिस्काउंट पे मिल रहा, तो वो उसे परचेज कर लेगा। बट हुआ क्या, इसमें इसमें जो लीगल वेबसाइट थी जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट था, उसने उससे परचेज नहीं किया, उसने किससे परचेज किया, जिसका लिंक एक हैकर ने भेजा था। तो ये होता है ट्रिकिंग द शॉपर। देन वी हैव स्नूपिंग शॉपर्स कंप्यूटर। तो स्नूपिंग शॉपर कंप्यूटर क्या होता है कि यूज़र की नॉलेज को स्टील करना। अब जनरली क्या होता है कि हम जो यूज़र्स होते हैं वो अपने कुछ फायरवॉल्स को डिसेबल करके रखते हैं, पोर्ट्स को ओपन करके रखते हैं, और इन्हीं सब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा अटैकर उठाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो एक कुछ वायरसेस होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, उनको आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। अब ये जो मलिशियस मलिशियस फाइल्स हैं, मॉलवेयर्स हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है आपके सिस्टम को देखना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और उस इन्फॉर्मेशन को अटैकर तक भेज देना, ताकि आपका जो अटैकर है या हैकर है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कुछ अटैक परफॉर्म कर सके। तो ये है बेसिकली स्नूपिंग शॉपर्स कंप्यूटर। देन वी हैव स्निफिंग द नेटवर्क। स्निफिंग द नेटवर्क क्या होता है कि बहुत सारे यूज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल एन नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, और ये सब किसी एक पर्टिकुलर ISP का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ ISP 1 का इंटरनेट यूज़ करके ये किसी एक वेबसाइट के ऊपर कुछ परचेजिंग करते हैं, तो अटैकर क्या कर सकता है, अटैकर यहाँ पे जो अटैकर होगा वो इस सिस्टम के ऊपर वॉच रख सकता है, इसको मॉनिटर कर सकता है। अब जनरली क्या होता है कि यहाँ से क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन पास करते हैं परचेजिंग के लिए, तो इस अटैकर के पास इन सारे यूज़र्स के क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है तो आप उसका मिसयूज़ बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो ये होता है आपका स्निफिंग द नेटवर्क। देन वी हैव दिस गैसिंग द पासवर्ड्स। इसमें क्या होता है कि अगर एक अटैकर को किसी यूज़र का यूज़र नेम पता लग गया, यूज़र नेम उसको पता लग गया, तो वो क्या करेगा, वो उसका पासवर्ड जो है वो गैस करने की कोशिश करेगा। अब इसके लिए मैनुअल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ऑटोमेटेड भी टास्क हैं, बट इसका जो पॉइंट है वो ये क्या है कि कुछ यूज़र्स, या जनरली मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ़ द यूज़र्स बहुत सिंपल पासवर्ड्स रखते हैं। एक सर्वे भी आया था जिसमें कहा गया था कि मैक्सिमम जो यूज़र्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इंटरनेट के यूज़र्स होते हैं, उनका पासवर्ड क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 या फिर QWERTY QWERTY। कुछ लोग अपने बच्चों के नाम का पासवर्ड रखते हैं, डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड रखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऑब्वियस से पासवर्ड्स हैं जो यूज़र रखते हैं, और अटैकर ऐसी ही चीज़ों का फ़ायदा उठा के उनके पासवर्ड्स को इजीली गैस कर सकते हैं। एक बार अटैकर को यूज़र नेम और पासवर्ड पता लग गया, तो वो इजीली आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कुछ भी कर सकता है, किसी वेबसाइट पर कुछ ऑर्डर कर सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, आपके पैसे भी वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये होता है गैसिंग द पासवर्ड्स। देन वी हैव डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट दिस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इन विच द अटैकर लॉन्च अ
अटैक ऑन द विक्टिम वेबसाइट टू ब्रिंग डाउन इट्स सर्विसेज. तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में पढ़ने के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेब सिक्योरिटी मॉडल. इन दिस वी हैव ऑल्सो सीन वन केस स्टडी ऑफ ई कॉमर्स इन विच वी हैव सीन डिफरेंट प्लेयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स, टारगेट पॉइंट्स एंड अदर थिंग्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.